नमस्कार दोस्तों, मैं सुचेता निगम अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं गर्मी में से राहत देने वाला आम पन्ना बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg मैंने कच्चे आम लिए हैं और इसको हम सबको छीलना है। जैसे इनको हमने धो भी लिया है, धो के सुखा लिया है और इसको हम अच्छे से छील लेंगे। हमने आम को छील लिया है और अब हम लेंगे एक कुकर और इसमें चारों आम को डाल दूंगी मैं। और हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी बॉईल करने के लिए और बंद कर देंगे। और इसको 1 सीटी तक मैं इसको पकाऊंगी। हमारा प्रेशर अच्छे तरीके से निकल चुका है और अब देखते हैं कि हमारे आम गले कि नहीं गले। ये देखिए 1 सीटी में आम कितने अच्छे पोजीशन में आ गए। देखिए सारा इनका जो कहते हैं आम का गूदा है वो अलग हो गया है बिल्कुल। और हम इस आम को निकाल लेंगे। इस पानी को भी आपको फेंकना नहीं है, अभी हम यूज़ करेंगे इसको चाशनी बनाने में भी। और इस आम को हम इसको अलग कर लेंगे, सबको इसके गूदे को अच्छे से हमने अलग कर लेना है। गुठली अलग हो जाएगी और आम का जो पल्प है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि आम बहुत अच्छे से अभी नए नए आए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से 1 ही सीटी में ये कर लेना है। आम का पल्प अलग हो गया है और गुठली हमारी अलग हो गई। इस गुठली को हम निकाल के अलग रख लेंगे। अब मैशर की सहायता से या इसी तरीके से जिससे मैं कर रही हूँ, आप इसको हम इस पल्प को अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत इजीली हो रहा है ये, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत इसमें नहीं है, ना मिक्सी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। और अब हम लेंगे एक सॉस पैन। अब हमने नॉनस्टिक पैन लिया है और इसको हम गैस को ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे हम ये पानी 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा है, ये पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें डालूंगी मैं ये जो आम का बचा जो हमने बॉईल किए थे, तो ये जो पानी बच गया है इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे, मैंने 500 ग्राम आम लिए थे तो 250 ग्राम मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, ये सिरप बनाने के लिए, शुगर सिरप बनाने के लिए। ये हमारा सिरप बनके तैयार हो चुका है। इतना ही हमें पकाना है कि चीनी बहुत अच्छी तरीके से घुल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ये पल्प। इसको अच्छे से हम लोग घोल लेंगे। ये अच्छी तरीके से शुगर में मिक्स हो चुका है इस पल्प में। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट और 1 स्पून हम डालेंगे सादा नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसमें जाएगा 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और हींग का पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है इसमें, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और गर्मी में हम लोग इसका यूज़ काफ़ी मात्रा में सभी चीज़ में करते हैं। और अब इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे बस। इसे हम 2 मिनट जब पकाएंगे ना तो बराबर चलाते रहेंगे आप इसे, इससे ये बिल्कुल भी नीचे लगेगा नहीं और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा दो सब चीज़ें आपस में।
ये देखिए कितना बढ़िया टेस्ट ये आया है। इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, काश मैं आप सबको टेस्ट करवा पाती। और आप देखते हैं कितना टेस्टी बना है। और अब हम इसे 2 मिनट हो चुके हैं और सब चीज़ बहुत अच्छे से पक चुकी है। और अब हम इसे मैं गैस बंद कर देती हूँ। इसको पकाने के बाद, पूरा पक चुकने के बाद, हम एक स्ट्रेनर लेंगे। हमने एक स्ट्रेनर लिया है और अब हम इसको छान लेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट है, इसको हम 2 महीने तक रख के पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमको हमने पूरे बल्ब को अच्छे से स्टेन कर लिया है, छान लिया है। और देखिए आप, ये देखिए बहुत ही बारीक बढ़िया सा बिल्कुल दिखे। हम इसको रख कर 2 महीने तक इसका यूज़ कर सकते हैं, इस कॉन्सेंट्रेट का। और जब भी कोई आए या हमें जल्दी है बनाने की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये हमारा कॉन्सेंट्रेट ठंडा हो चुका है। और अब हमने लिया है एक ये जार, कांच का जार लिया है, और इसमें मैं इसको रख के स्टोर करूँगी। और 2 महीने तक बहुत अच्छी तरीके से आप इसे स्टोर करके, जब भी कोई आए या हम अपने लिए चाहते हैं जल्दी से, तो मैं अभी बनाऊँ बताती हूँ आपको कैसे बनाएंगे। और अब हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और अच्छे से बंद करके हम इसे फ्रिज में रख देंगे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अब आप इसे देखिए, मैंने लिख भी दिया है आम पन्ना कॉन्सेंट्रेट, और जो हमारा एक्सपायरी इसकी होगी 2 महीने तक हम इसको अच्छे से खा सकते हैं। अब इसको कैसे बनाया जाएगा ये मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसी में से मैं बनाऊँगी। मैंने 2 कांच के गिलास लिए हैं, और अभी इसी में मैं डालूँगी क्रश करी हुई बर्फ। आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्रश करी हुई बर्फ़ है, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा ही पीने में ये अच्छा लगता है। और अब इसमें डालूँगी मैं ये देखिए 2 चम्मच मैं इस कॉन्सेंट्रेट को डालूँगी। और अब डालेंगे हम इसको ठंडा पानी। और अब इसको हम चलाते हैं, तो ये तैयार हो गया हमारा आम पन्ना। और अब इसमें बताइए एक चीज़ और होगी जो बहुत मस्त है हमारी, वो है हमारी पुदीने की पत्ती, जिसे मैंने यहीं पर अपना चलता फिरता, ये मेरा पुदीने का गार्डन है, गमला है, जिसे मैं हर साल तैयार करती हूँ, और इसका ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो तैयार है हमारा आम पन्ना, और इस पर हमने ये अपनी ताज़ी ताज़ी पुदीने की लीव्स लगा दिए हैं। तो तैयार है हमारा आम पन्ना। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा।